जय हिंद दोस्तों, मैं शेर सिंह पटियाली, मेरे चैनल शेर हिमाचल में आपका स्वागत है। दोस्तों एक नया ब्लॉग लेके आया हूँ और अभी मैं हूँ गुवाहाटी एयरपोर्ट में, दिल्ली के अंदर हूँ और मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ और ये मेरा बोर्डिंग हो चुका है, ये मेरा बोर्डिंग पास है, ये देखिए इस तरह से, और अभी बैठा हूँ वेटिंग एरिया में, ये इस तरह से देखिए। और इस साइड को पीछे आप देख रहे होंगे बाहर रनवे है, बाहर रनवे, और ये भी बैठा हूँ, मेरा फ्लाइट भी लगभग जो है 1.5 घंटे बाद का है, तो यहाँ पे रेस्ट कर रहा हूँ, वेटिंग एरिया में हूँ और कुछ ही टाइम बाद जो है फ्लाइट में अनाउंसमेंट हो जाएगा फ्लाइट में चेक इन का, और ये भी यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। काफ़ी लोग हैं वेटिंग एरिया में, ये देखिए इस तरह से, ये इस तरह से बहुत शानदार है। अभी लगभग शाम के 7 के 6 बजने वाले हैं, 7 बजे की मेरी फ़्लाइट है और लगभग 10 बजे मुझे वो दिल्ली पहुंचाएगी। दोस्तों ये सामने रनवे है, ये सामने एक इंडिगो का प्लेन है और एक स्पाइस जेट का प्लेन भी है, और मैं जो है एयर एशिया के प्लेन में जा रहा हूँ जो अभी रनवे पे नहीं आया है। अभी लगभग 1 घंटा है फ्लाइट जाने का, तो अभी टाइम है उसको आने का। और ये गेट नंबर 6 है, जो मेरी एंट्री होगी वो गेट नंबर 9 से होगी, जो सेकंड फ्लोर पे हैं। अभी मैं नीचे वाले फ्लोर पे, अब मैं ऊपर वाले फ्लोर पे जाऊंगा जहाँ से जो एंट्री होगी प्लेन के अंदर। दोस्तों ये मैं प्लेन में बैठ चुका हूँ और अभी रात हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जल्दी रात पड़ जाती है। अभी 7:15 हुए और पूरा अंधेरा हो चुका है क्योंकि यहाँ पर 6:30 बजे के आसपास जो अंधेरा हो जाता है। और ये भी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ये मेरा सीट नंबर है, और ये देखिए प्लेन, कुछ जो इसमें सीटें खाली है, कुछ में जो है लोग हैं। रात का टाइम है, सिर्फ थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ इस तरह से। रात का टाइम है, लगभग जो है 8 बजने वाले हैं, तो बाहर अंधेरा है, ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है। और ये देखिए साइड पूरा खाली है, आगे जो है कुछ एक लोग हैं, लगभग आधे से ज़्यादा ये फ्लाइट खाली है, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है दिन के टाइम में मॉर्निंग में जाते हैं दिल्ली यहाँ से गुवाहाटी से, रात को जो ज़्यादा यहाँ पे क्राउड नहीं रहता है, लगभग लगभग जो फ्लाइट है खाली नज़र आ रही है। ये देखिए फिर से मैं बाहर को दिखाता हूँ, लेकिन मैं होता तो अच्छे से आपको दिखाता है किस तरह से जो ये प्लेन जा रहा है बादलों के बीच में, लेकिन रात बाहर जा नज़र नहीं आ रहा है। दिल्ली पहुंचने वाला रहूंगा तो उस टाइम आपको दिखाऊंगा फिर से। दोस्तों अब जो है दिल्ली लैंड करने वाले हैं, बस थोड़ी देर में दिल्ली पहुंचने वाले हैं। अभी स्टाफ अभी जो अनाउंसमेंट हो चुका कि दिल्ली पहुंचने वाले हैं, मैं आपको थोड़ा सा फिर आपको दिखाने की कोशिश करूँगा जो रात में किस तरह से व्यू नज़र आता दिल्ली का। अभी तो बाहर अंधेरे में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, प्लेन काफ़ी डाउन हो जाएगा उस टाइम आपको दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों जो दिल्ली नीचे नज़र आ रहा है, जितनी भी लाइट है, नहीं ऐसे वीडियो बना रहा हूँ, ये देखिए दिल्ली का नज़ारा, लाइट ही लाइट नज़र आ रही होगी, दिन में तो बहुत शानदार आता है, पर अभी रात है तो रात में सिर्फ आपको लाइट ही दिखेगी। ये देखिए
ये दिल्ली सिटी है, रात का व्यू है और अभी टेक ऑफ होने वाले हैं। इंदिरा गांधी जो एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल टर्मिनल है, वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। ये देखिए पूरा दिल्ली रात का व्यू, ये देखिए बहुत ही शानदार। बस 5 मिनट में टेक ऑफ होने वाला है, लाइट ही लाइट नज़र आ रही होगी। इस सामने जो एरो है, किसी जगह नहीं मिलती, ये तो तार अब तक टेक ऑफ कर देता, दूसरा उतर रहे ना रनवे पर, अब तक टेक ऑफ नहीं हुआ। दिल्ली में घूम रहा है 10-15 मिनट हो गए, दिल्ली में घूम रहा है 10-15 मिनट हो गए, कभी इधर राउंड मार रहा, कभी इधर राउंड मार रहा। जो मेरे साथ यहाँ पे भाई है, ये पूरे की सामने में कि दिल्ली में ये जो प्लेन घूम रहा है 10-15 मिनट से, क्योंकि टेप कॉप का जो है टाइम नहीं मिल रहा है, रनवे पे कोई और प्लेन जो है उतर रहा होगा तो इसलिए टाइम नहीं मिल रहा होगा। ये देखिए पूरा दिल्ली है, ये देखिए लाइट ही लाइट नज़र आ रही है। कह रहे हैं कि 10-15 मिनट से दिल्ली में ही घूम रहा है। ये देखिए इस तरह से नज़र आता है, बीच में सड़कें हैं, सड़कें से दूर से पूरा दिल्ली का मार्केट है। ये देखिए लाइटों में इस तरह से नज़र आए, सोचिए दिन में क्या कैसा नज़र आता होगा, दिन में क्या व्यू रहता होगा यहाँ से। क्लियर दिख रही है, ऐसे जगह लगा हुआ दिल्ली जैसे मेला लग रहा हूँ। सही बात है, पूरी दिल्ली सिटी जगमगा रहा है। टॉय ट्रेन चलती है शिमला में इस तरह के आराम आराम से, शिमला में टॉय ट्रेन चलती है ना इसी आराम आराम से, चिक चिक बढ़िया जगह दुनिया जाती है। हाँ मैं मेरठ आया हूँ, मेरठ आया हूँ, मैं भी बस से आया हूँ देहरादून से। देहरादून मेरी कोशिश रहती है एक जगह क्लबिंग टाउन करके, वहाँ मेरी कोशिश रहती है। कुल्लू की जी का काम है औसरी का, कुल्लू में मेला लगता है 20 दिन का दशहरा से, तब जाते हैं। वैसे मैकलोडगंज, धर्मशाला, मैकलोडगंज, एक और जगह है मंडी, मंडी में उनका घर है। मैं भी डिस्ट्रिक्ट मंडी से ही हूँ। अच्छा मंडी से ही है, डिस्ट्रिक्ट मंडी है मेरा। वहाँ तो ये वाला हिसाब है ना, पहाड़ों पर एक घर 1 किलोमीटर पे, दूसरा पता नहीं कहाँ, तीसरा कहाँ, तो इसलिए लोग की जान पहचान कम होती है। शहर में तो ये है कि 8-10 किलोमीटर के अंदर भी पूरा सब होता है, पहाड़ों में तो अगर 8-10 किलोमीटर भी है ना, पता लगा एक पहाड़ी की साइड इस साइड, एक पहाड़ी की इस साइड है, उनसे भी जाना पड़ता है। जो आ रहा था वही जानता, दुनिया के लिए तो सुंदर जगह है। अब तो बॉर्डर डाउन हो गया है लगता है, शायद जो उतरने वाला है। ये देखिए जो उतरने वाला है प्लेन,
बस उतर गया समझो। फाइनली हम दिल्ली पहुंच गए। हाँ ये एयरपोर्ट है, ये रनवे पे पहुंच गया है।